हेलो एंड वेलकम बैक द तिभागा मूवमेंट इज अ पेजेंट मूवमेंट इन दिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड इंडिया इट वॉज द मूवमेंट ऑफ द पेजेंट्स हु डिमांडेड द टू थर्ड शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस फॉर देम सेल्वस एंड वन थर्ड शेयर टू द लैंड लॉर्ड क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है देखो तिभागा मूवमेंट मतलब तिभागा मतलब तीन भाग जो कुछ भी आपका प्रोड्यूस होता है ना मतलब कोई जो पेजेंट्स थे जो फार्मर्स थे Uh, उन्होंने ये बोला था कि जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसका जो तीन भाग करेंगे उसका उसका दो भाग हम लेंगे और एक भाग लैंड को देंगे तो यही मूवमेंट था तिभागा मूवमेंट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन है ये फाउंडर है थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेनरी स्टील ऑलकॉल्ट ऑलकॉट हेनरी स्टील ऑलकॉट इज़ द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसकी जो सेकेंड प्रेसिडेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो थी एनी बेसेंट सो फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन है ऑलकॉट। सिंपल सा हैनरी स्टील नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है वी विल रिमेंबर ऑलकॉट सो फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज ऑलकॉट। एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज एनी बेसेंट दिभागा मूवमेंट क्या है दिभागा मूवमेंट इज अ पीजेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड इंडिया

आयरिश होम रूल लीग जो आयरिश होम रूल लीग था उससे इंस्पायर होकर के एनी बेसेंट ने इंडिया में होम रूल होम रूल मूवमेंट फॉर्म किया सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन जो लोग थे वो साइमन गो बैक साइमन गो बैक क्यों बोल रहे थे वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेम्बर नहीं था इसीलिए बोल रहे थे साइमन बैक साइमन गो बैक लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल क्रिप्स मोशन में क्रिप्स प्रपोजल में क्या था वो डोमिनियन स्टेटस वाला क्या था ना जो जो डोमिनियन स्टेटस देना चाहता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहता था तो इसके विरोध में कौन सा मूवमेंट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट उन्नीस में कौन सा सेशन हुआ था लाहौर सेशन और कराची सेशन उन्नीस में हुआ था सो so, लाहौर सेशन में क्या हुआ था पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा गया था ठीक है सो so, नाइनटीन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट क्यों बिकॉज द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस सो कांग्रेस का गोल अडॉप्ट किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिश पीएम एम क्लेमेंट एटली ट मिशन सो कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था क्लीमेंट एटली ने और क्रिप्स मिशन को किसने भेजा था चर्चिल ने ओके सो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली अनाउंस्ड द डिस्पैच ऑफ थ्री मिशन ऑफ थ्री डिस्पैच ऑफ द मिशन ऑफ थ्री कैबिनेट मिनिस्टर्स तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा तो उस मिशन को बोलते हैं कैबिनेट मिशन और कौन किस कौन प्राइम मिनिस्टर्स ने भेजा था क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन के मेंबर्स हैं तीन मेंबर्स थे उनके नाम क्या हैं लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर क्रिप्स कैबिनेट मिशन के तीन मेंबर्स के नाम बताइए लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के तीन मेंबर्स के नाम बताइए लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन का क्या प्रपोजल था ये प्रपोजल था कि फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स कैबिनेट मिशन ने यह प्रपोज किया था कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें इंडियन प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट चाहिए फेडरल uh, गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि उसमें इंडियन प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे सो प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन क्या था फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स दिभागा मूवमेंट इज अ पीजेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड इंडिया इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ द पीजेंट्स हू डिमांडेड टू थर्ड चेयर ऑफ द प्रोड्यूस फॉर देम सेल्स एंड वन थर्ड चेयर टू द लैंड लॉर्ड थियोसोफिकल सोसाइटी का फाउंडर कौन था ऑलकॉट और उसका सेकेंड प्रेसिडेंट कौन था थियोसोफिकल सोसाइटी का एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट होम रूल मूवमेंट फॉर्म किया था और वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थी आयरस आयरिस आयरिश होम रूल लीग से पीपल ऑफ इंडिया एजुटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ़ साइमन कमीशन क्यों क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था किसके रिस्पॉन्स में वो क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पॉन्स में नाइनटीन ट्वेंटी नाइन लाहौर के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बहुत ही ज़्यादा सिग्नीफिकेंट रोल प्ले करता है फ्रीडम मूवमेंट में क्यों क्योंकि कांग्रेस uh, ने अपना गोल बनाया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिशन फॉर्म किया था तीन कैबिनेट मेंबर्स का प्राइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट कैबिनेट मिशन के तीन में क्या याद रखेंगे कुछ कैलकुलेशन तो होगा तो कैल सी एल कैल मतलब क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस ओके प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स सूरत स्प्लिट कब हुआ था सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में सो so, सूरत स्प्लिट टुक प्लेस व्हेन द मॉडरेट्स पार्टेड कंपनी विद द एक्सट्रीमिस्ट द स्प्लिट इन द कांग्रेस वाज ड्यू टू मेनी रीजंस। द मॉडरेट्स हैड कंट्रोल द कांग्रेस फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग एंड हैड देयर ओन वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग विच वे नॉट एक्सेप्टेबल टू द यंगर जनरेशन हु वे आर इम्पेशेंट विद द स्पीड एट विच द मॉडरेट्स वे मूविंग एंड लीडिंग द नेशन दिस वॉज द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो so, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में और क्यों स्प्लिट हो गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया ए ने किया और स्टार्टिंग से बिगनिंग से जो मॉडरेट्स थे ना कि हाँ नरम दल गरम दल नरम दल इस तरह से दो चीज़ थे तो नरम दल लोग के पास ही कंट्रोल था उन लोग का तरीका हुआ था कि नहीं हम प्यार से बात करेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे हम प्रेयर लिखेंगे हम लेटर लिखेंगे हम मनवाएंगे हम भूख हड़ताल करेंगे ठीक है मतलब हम धरना देंगे ऐसा ऐसा मतलब कोई भी वायलेंट स्टेप्स नहीं लेना था उनको तो इसीलिए वो काफ़ी स्लो चल रहा था तो सूरत में क्या हुआ ना कांग्रेस दो भाग में बट गया और वहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिट्स में मॉड एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि देखो जो और जो जो दो भाग में बैठा ना तो उसमें जनरली जो अलग हुए वो यंगर जनरेशन थे क्योंकि वो लोगों ने सोचा कि ये लोग बूढ़े लोग हैं ये लोग मतलब जिस स्पीड से चल रहे हैं बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है इसलिए ऐसे ही लोग बात नहीं मानेंगे द ब्रिटिशर्स उनके उनसे फ्रीडम चाहिए तो हमें कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि मॉडरेट्स को पसंद नहीं थे तो इसलिए दोनों की विचारधारा चेंज हो गई और इसलिए दोनों आ, अलग हो गए कब अलग हो गए सूरत में ही अलग हो गए सो नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवन में सूरत स्प्लिट हुआ सो लेट्स रिकेप वंस अगेन द तिभागा मूवमेंट इज़ अ पीजेंट मूवमेंट इन दिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड इंडिया इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ द पीजेंट सो डिमांड अ टू थर्ड शेयर ऑफ द प्रोड्यूस फॉर दमसेल्स एंड वन थर्ड शेयर टू द लैंड लॉर्ड सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी हेनरी स्टील ऑलकॉट सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन है एनी बेसेंट एनी बेसेंट हैड फॉर्मड एंड लेट द होम रूल मूवमेंट एंड शी वॉज इन्फ्लुएंसड बाई द आयरिश होम रूल लीग सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू People of India agitated against the arrival of the Simon Commission. Why? Because there was no Indian member in the Simon Commission. Quit India Movement. It was launched in response to Cripp's proposal. 1929 Lahore session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement. Why? Because the attainment of the Poon Saraj was adopted as the goal of Congress. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अनाउंस द डिस्पैच ऑफ द मिशन ऑफ थ्री कैबिनेट मेबर्स नोन एज कैबिनेट मिशन एंड मैंबर्स ऑफ द कैबिनट मिशन क्या है लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन फेडरल गवर्नमेंट कंसिटिंग ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स सूरत स्प्लिट नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवन में हुआ जो कि टू टुक प्लेस वन द मॉडरेट्स पार्टेड द कंपनी विद द एक्सट्रीमिस्ट द स्प्लिट इन द कांग्रेस वॉज डू टू मेनी रीजन द मॉडरेट्स हैंट्रोल द कांग्रेस फ्राम इट्स वेरी बिगनिंग एंड हैड देयर ओन वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग which were not acceptable to the younger generation, who were impatient with the speed at which the moderates were moving and leading the nation. This was the time of Swadeshi movement. So this statement is true. Will the video.